गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए आज हम लोग क्लास नंबर 5 देखते हैं। इसके पहले आपने क्लास 4 तक देखा है, तो क्लास 5 करने से पहले कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वाला करता हूं जो आपने पढ़ा है। सबसे पहले हमें यह बता दीजिए कि जो एशिया जो महादेश है वह एशिया महादेश जो है दुनिया की कौन सी महादेश सबसे बड़ी है, सबसे छोटी है, किस मामले में, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा जनसंख्या में? चीन होगा। नहीं, 7 महादेश आपने पढ़ा था, 7 का नाम बता सकते हैं? कौन कौन है बताइए सबसे बड़ा? एशिया, बोलिए, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। काला महादेश के नाम से कौन जाना जाता है? काला महादेश के नाम से कौन जाना जाता है? अफ्रीका। और श्वेत महादेश के नाम से? अंटार्कटिका। और विकसित महादेश किस महादेश को कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका को विकसित महादेश का। गतिशील महाद्वीप किसे आप लोग कहते हैं? अंटार्कटिका, ठीक है। और एक बात बताइए, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? नहीं पढ़ क्या है आप लोग? एस आकार का। और दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अच्छा बताइएगा कि जो महासागर है वह कितने हैं? पढ़े लिखे लोग के लिए कितने महासागर? 4 हैं। कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक। और 5वां कौन होगा? खा गए सब? रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग? 3 और पानी से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। और 4 और पानी से घिरा तो प्रायद्वीप। अंतरीप किसको कहते हैं? चारों और पानी से जब घिरा होता तो उसको आप क्या कहते हैं? द्वीप। क्या कहते हैं उसको? द्वीप, द्वीप कहते हैं। और 3 और पानी से अगर घिरा हो तो? प्रायद्वीप। 3 और पानी से घिरा हो कि 3 और स्थल से घिरा हो? पानी से घिरा हो। और अंतरीप जो होता है प्रायद्वीप का छोटा रूप होता है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? जो पीछे से कट के अलग महाद्वीप का, उसी महाद्वीप का कटा हुआ भाग महाद्वीप कहलाता है, चाहे वह पहाड़ के द्वारा या किसी भी चीज के कारण कट जाती है। रिवीजन नहीं किए हैं आप लोग? हिंदू कुश जो पर्वत है वह किसको किसको अलग करता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। म्यांमार के आसपास एक पर्वत है, उसका नाम बता सकते हैं? आराकाम पर। भारत को चीन से कौन अलग करता है? कौन सी पर्वत? माउंट एवरेस्ट पर्वत है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, हिमालय पर्वत। भारत को अफगानिस्तान से अलग कौन करता है? वही पाकिस्तान जो अफगानिस्तान आप बोल रहे थे। भारत को अफगानिस्तान से अलग करता है हिंदू कुश पर्वत। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल है याद है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? तो उपमहाद्वीप वह क्षेत्र होता है किसी भी महाद्वीप का जो वह किसी भी कारण से, चाहे पहाड़ से या किसी अन्य कारण से, वो क्या होता है? कट जाता है। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन हो गया? भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगानिस्तान आ गया, उसके बाद कौन आ जाएगा? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्यों? आप देख सकते हैं कि उधर जो आपका है हिंदू कुश पर्वत, नहीं, हिंदू कुश पर्वत जो है आप उसके, तो इधर आ जाएगा कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान।
अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान शामिल होगा, अफगानिस्तान तो कट जाएगा, भारत को पाकिस्तान से काट देगा, तो अफगानिस्तान होगा, भारत हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, और कौन होगा? नेपाल हो जाएगा, नहीं नेपाल चूंकि पर्वत भारत में भी पड़ेगा, नेपाल में भी पड़ेगा, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। कौन कौन काटता है देख लीजिए, इसको जो भारत उपमहाद्वीप में शामिल करता है, चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र, यहाँ से हिंदू कुश पर्वत गुजरती है, हिंदू कुश इधर से कौन है नेपाल, यहाँ पे हिमालय पर्वत गुजरती है नहीं, और इधर जो है आपका आरा म्यांमार के आसपास से कौन है आरा काम पर्वत गुजरती है इधर से, तो आप यहाँ देख सकते हैं भारत है, पाकिस्तान आ गया, इधर हिमालय पर्वत, नेपाल हो गया, भूटान शामिल रहेगा, और इधर म्यांमार को काट लेगा, म्यांमार को क्या कर लेगा, काट लेगा, यही ना काटेगा, देख लीजिए म्यांमार को काट लेगा कौन सा पर्वत, अराकान, तो बांग्लादेश शामिल हो जाएगा, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये देश शामिल हो जाएंगे। ठीक है, अब बताइएगा एशिया के नीचे साउथ एशिया के लोगों ने एक एसोसिएशन बनाया था, उसका नाम क्या था? एशिया के नीचे, एशिया वर्ल्ड के मैप पर जाएगा तो एशिया के नीचे का जो भाग है उस देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, उसको क्या कहा जाता है? साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। सार्क में कितने देश शामिल है, कौन कौन सा नाम याद है आपको? अगर देखिए यहाँ पे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, तो गिन लीजिए, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भारत, कितना हो गया? क्या भारत सार्क में शामिल है कि नहीं है? शामिल है, तो कौन कौन हो गया आप मैप याद रखिएगा। ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन है? एशिया का सबसे छोटा देश जो समुद्र में बहा हुआ दिखता है, मालदीव है ना? श्रीलंका में एक दर्रा, उस दर्रा का नाम बता सकते हैं? एलिफेंटा दर्रा है। सबसे उसका ऊंची बिंदु कौन सा है? पॉइंट पेड्रो। और ऊपर का राज्य कौन है पॉइंट पेड्रो के? जाफना है। संगठन वहां पे काम करता है, उसका नाम बता सकते हैं? LTTE। पहाड़ों के बीच जो रास्ता बनता है उसको क्या कहते हैं? पतला रास्ता रहता है तो दर्रा, और चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो, जब पहाड़ों को काट कर पतला रास्ता बनाते तो दर्रा, और चौड़ा रास्ता बना दे तो घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिफेंटा के पास की, एलिफेंटा जो दर्रा है वो कौन देश में है? एलिफेंटा के पास के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जाफना कहते हैं। क्या सॉरी, ऊपर वाला भाग को क्या कहेगा? पॉइंट पेड्रो जाफना का भाग है, जाफना का सबसे ऊपरी बिंदु जैसे पॉइंट पेड्रो है ना। सार्क में कितने देश शामिल हो जाएंगे? कौन कौन, एक बार फिर से बोल सकते हैं? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। और तो ये है किसका? सार्क क्या नहीं, साउथ, इसका फुल फॉर्म है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन। और एक और संगठन दुनिया में काम करता है जिसका नाम है आशियान जो है, जिसका फुल फॉर्म आप बता सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन ना। आसियान की जो आसियान जो है उसमें कितने देश शामिल है? 10। नाम याद है, वर्ल्ड के मैप पर देखकर बता सकते हैं कौन कौन है उसमें? इधर से शुरू कीजिए, उल्टा क्या कर रहे हैं, सीधा से कीजिए। सबसे पहले कौन आएगा? चलिए हाँ, सबसे पहले कौन आ जाएगा? म्यांमार। उसके बाद म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, उसके बाद मलेशिया,
सिंगापुर और ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस, 10 देश शामिल है इसमें ना। उसके बाद महाबली गंगा किस देश की नदी है? महाबली, महाबली गंगा श्रीलंका की क्या है? नदी, महाबली। अब हम लोग आज क्लास को शुरुआत करते हैं और आज हम लोग, अच्छा एक बताए थे सड़क जो है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान और पीओके, ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, पाक अधिकृत जो है आपका, ये पाकिस्तान से होती है, यहाँ से एक रास्ता बनाया है पाकिस्तान ने, उसका नाम बता सकते हो? उस रास्ते का नाम उसका क्या है? सड़क पाकिस्तान में है, उसका नाम क्या है? सीपीईसी, सीपीईसी सड़क नहीं। अब आप सभी को बता दूं कि पाकिस्तान, यही आपका कौन है? पाकिस्तान, पाकिस्तान जो आपका है, इस पूरे पाकिस्तान को अगर आप देखिएगा तो इसमें देखिए एक है सुलेमान की पर्वत, एक है किरथर की, है ना, ये है आपका किरथर, ये है सुलेमान, और इसी में आपका एक बंदरगाह है जो है ग्वादर। अब कराची, कराची इसकी राजधानी है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पे पड़ेगी? कराची, और कराची के आसपास ही ग्वादर बंदरगाह, कौन बंदरगाह है? ग्वादर बंदरगाह। पहले पाकिस्तान का राजधानी कहाँ पे था? इस्लामाबाद, लेकिन अब बदल के कहाँ कर दिया गया है? कराची कर दिया गया। नहीं, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की कराची। नहीं पता। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? हो कराची है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। आप लोग कराची कर दीजिएगा। बंदरगाह है कराची, ठीक है, कराची बंदरगाह है, उसी के आसपास है ग्वादर बंदरगाह, कौन सा है? ये है आपका इस्लामाबाद। देखिए यहाँ पे, देखिए पाकिस्तान में सुलेमान की पर्वत, किरथर की पर्वत और नमक की पर्वत भी, यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ना माउंटेन है, वहां पे ब्लैक सॉल्ट नमक की पहाड़, ठीक है, और वहीं पे जाइएगा तो आपको एक और पहाड़ी मिलेगा। देखिए यह नमक की पर्वत, यह सुलेमान पर्वत श्रेणी और यह किरथर पर्वत श्रेणी, ये सब कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में। आपको याद करना पड़ेगा ये सब, ठीक है। तो जो यहाँ पे एक और पहाड़ी है जिसका नाम है मकरान की पहाड़ी, किसकी पहाड़ी? मकरान। इसमें स्पष्ट पूरा देखिएगा अपना बढ़िया से मैप को, अफगानिस्तान वाला गूगल से, तो वहां पे सब पता चलेगा। यहाँ पे एक मकरान की पहाड़ी है और उसी मकरान की पहाड़ी के नीचे आइएगा ना तो ग्वादर और कराची आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ग्वादर और कराची आ जाएगा। तो ये है आपका, दुनिया में जो सबसे पहले खेती हुई थी आज से लगभग कितना ईसा पूर्व पहले हुई थी? 7000 ईसा पूर्व हुई थी। और कहां पे हुई थी? मेहरगढ़ में हुई थी ना, और वह जो था खेती हुई थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की थी ना, यही पे खेती हुआ था सुलेमान, और यही जो आपका ना सुलेमान और किरथर के बीच की जो भूमि है वहीं पे क्या होता था? सबसे पहले खेत की शुरुआत हुई थी जो कि 7000 ईसा पूर्व। नमक की पहाड़ी, उस पहाड़ी से नमक बहुत अधिक मात्रा में निकलता है। नमक की पहाड़ी जो है वहां पे देख सकते हैं, जो इस्लामाबाद है उसके आसपास नमक की पहाड़ी है जहां पे बहुत अधिक मात्रा में क्या निकलता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो सीमा है, सीमा को उत्तरी भाग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान, और यही से एक पहाड़ी गुजरती है और उस पहाड़ी, पहाड़ी का नाम क्या है? तो उसका नाम है सुलेमान की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है? सुलेमान की पहाड़ी। सब देख सकते हैं आप लोग मैप को, थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, इसमें जाके आपको सब दिखेगा, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो सीमा है वह कौन सा है? हिंदू कुश पर्वत है। कौन है? हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत आगे जाकर किससे मिल जाती है?
ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये आगे जब जाइएगा ना तो यही आपका आगे जाके हिमालय पर्वत से मिल जाती है। किसे मिल जाती है? हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत से जाकर वो मिल जाएगी। पाकिस्तान के लिए बाउंड्री का निर्माण कौन कर देता है? हिंदू कुश पर्वत कर देता है। पाकिस्तान के उस पार कौन है? पाकिस्तान के उस पार की बात करें तो पाकिस्तान ये है आपका, इसके उस पार की बात कीजिएगा तो यही कौन है आपका? अफगानिस्तान नहीं, और पाकिस्तान का पूर्वी भाग जो है, ठीक है, पाकिस्तान का पूर्वी भाग माने इधर हो जाएगा, तो पूर्वी भाग जो है पाकिस्तान का उसमें क्या है, पर्वत बहुत ज्यादा है, चूंकि हिमालय पर्वत उसी क्षेत्र में पड़ता है, तो सबसे ज्यादा पर्वत जो पड़ेगा उधर किधर पड़ेगा? पूर्वी भाग। और पश्चिमी भाग जो है से कौन होगा? अफगानिस्तान, और उसका आपका हिंदू कुश पर्वत से अलग कर दे। पश्चिमी भाग में कौन आ जाएगा? हिंदू कुश पर्वत, और आपका कौन सा? हिमालय पर्वत जो है उसको अलग कर देगा। मकरान जो है, ठीक है, मकरान वो सुलेमान और किरथर पहाड़ी का जो है तटीय भाग है, ये आपका सुलेमान की पहाड़ी और किरथर का जो तटीय पार्ट है वही पे आपका पड़ेगा कौन सा? तो वो पड़ेगा आपका मकरान। कौन पड़ेगा? और पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है बलूचिस्तान, जो कि आपको पता है कि नए देश की मांग कर रहा है, वो कर रहा है मुझे स्वतंत्र कर दे ना। अब यहां से सिंध प्रांत में आपको पता है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो मिला है। हाँ, अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा, सिंधु नदी के नीचे जो है, सिंधु नदी आपको ये दिख रहा है, ये ना सिंध है, ठीक है, और इसके नीचे अगर आइएगा तो यहीं पे आपको मिलेगा, पता है क्या? बलूचिस्तान। क्या मिल जाएगा आपको? इसी के नीचे का पार्ट जो है आपका बलूचिस्तान है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है, करेक्ट है। तो जितने भी लोग है ना वहाँ के अच्छे लोग सब जो है मंत्री है, नेता है, सब है, सब कौन सा क्षेत्र में रहता है? सब सब नहीं, सभी जो है पंजाब क्षेत्र में रहता है। कहाँ पे रहता है? ठीक है। और एक बात समझिएगा, जब आप जम्मू कश्मीर देखते होंगे, दिख रहा है आपको इस्लामाबाद आपको दिखता होगा? नहीं, इस्लामाबाद आपको दिख रहा है, ये है आपका इस्लामाबाद, यही ना आपका। और इस्लामाबाद के आसपास ही जब जाइएगा तो वहां पे एक रावलपिंडी जिला मिलेगा, ठीक है, कौन मिलेगा? इसी के आसपास जब जाइएगा तो यही के आसपास एक रावलपिंडी जिला मिलेगा, रावलपिंडी। रावलपिंडी जो ऐसे नामी है, वहां पे क्रिकेटर हुआ था शोएब अख्तर, वही का है, ठीक है। और नीचे देख सकते हैं आप लोग, सबसे नीचे आएगा तो कराची बंदरगाह और ग्वादर बंदरगाह, दो बंदरगाह जो ऐसे काफी फेमस है, कहाँ पे? पाकिस्तान का। अभी हम लोग जानकारी ले रहे हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। दुनिया की सबसे पहली जो विश्वविद्यालय थी वह तक्षशिला कहाँ पे था? लेकिन सबसे पहला विश्वविद्यालय जिसमें आपका हॉस्टल की व्यवस्था थी वह कौन थी? नालंदा विश्वविद्यालय। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र जो था वह कौन सा था? तक्षशिला था। गुप्त में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र पूछेगा तो नालंदा मारिएगा। और पाल वंश के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, जो भी कहाँ पे है पता है? वह रावलपिंडी के पास एक जगह है जिसका नाम है एबटाबाद। लेकिन पाल वंश के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखें हम, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो किसके समय में खुला था? पाल वंश के, जिसके संस्थापक गोपाल थे। अच्छा बताइए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच के क्षेत्र जो है वो कौन सा पर्वत होगा जो अलग करेगा उसको? हिंदू कुश पर्वत। कौन सा पर्वत होगा? हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत के नीचे अगर आइए, जस्ट नीचे, तो यहाँ पे नमक की पर्वत है, इधर सुलेमान की पर्वत है, इधर किरथर की पर्वत है, नहीं इधर है नमक की पर्वत, सुलेमान की पर्वत और किरथर की, और सबसे उसके नीचे आ जाता मकरान की पहाड़ी आ जाएगा, इसी के नीचे कौन सा पर्वत आ जाएगा? मकरान की। तो याद रखिए आप, पाकिस्तान का जो सबसे प्रमुख सब है यही सब है आपका, नमक की पर्वत है, सुलेमान की, किरथर, और नीचे कौन सा आ जाएगा आपका, नीचे का पार्ट मकरान की पहाड़ी, और उसके नीचे दो बंदरगाह है जो काफी फेमस है, एक है कराची और एक है आपका ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। अब एक बात है,
पाकिस्तान का जो विवादित एरिया है ना, वह आपका कराची है, ठीक है? कौन है? कराची है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सड़क गुजरती है, जो सीधे चीन तक जाती है, सीपीईसी। अब आज हम लोग पढ़ेंगे अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये तो आप जानकारी ले रहे थे पाकिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है हिंदू कुश पर्वत। देखिए अफगानिस्तान जो है ना एक छोटा सा देश है, बड़ा क्षेत्र नहीं है, और यह भारत को बहुत ज्यादा सहयोग करता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि राते तालिबान जो है अफगानिस्तान को हड़प लिया, ठीक है? तालिबान सब उसे धीरे है। अफगानिस्तान को हड़प लिया कौन? तालिबान, यानी उस देश को गुलाम बना, ठीक है? मेरी आवाज कानों में जाती है। तो तालिबान एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान देश को अपने कब्जे में ले लिया। वहां पे हमारे भारत के बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को अब क्या किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। लेकिन अफगानिस्तान भारत का बहुत बड़ा दोस्त है, ठीक है? यहाँ भारत के सैनिक भी अफगानिस्तान में उसकी मदद करते हैं। वहाँ बहुत सारे जो सड़कें बनाई गई है, वहाँ के बहुत सारे जो बिजली घर बनाए गए, वहाँ का जो संसद है सब कौन बनवाया है? भारत बनवाया। इसलिए भारत का बहुत बड़ा ये दोस्त है, ये सहयोग करता है। और पाकिस्तान जो है वह अफगानिस्तान को हमेशा बुरी नजर से देखता है, नहीं? और तालिबान पूरी तरह से आतंकवादी क्षेत्र, करेक्ट है? तालिबान जो है क्या है, आतंकवादी क्षेत्र है, और इसको हड़प लिया है। लेकिन अब इसका मामला चला गया संयुक्त राष्ट्र संघ में, आप किसी को हड़प नहीं सकते हैं। तो अब विश्व जो है, लेकिन लफड़ा है कि सब जो है एक दूसरे से मिला हुआ रहता है, जैसे पाकिस्तान से मिला हुआ है चीन, तालिबान से भी सब मिला हुआ है, ठीक है? और अफगानिस्तान भारत से मिला हुआ है, तो भारत से मिला है तो ऑफकोर्स है कि रूस करेगा सहयोग, इजराइल करेगा सहयोग, लेकिन भारत अभी कोई कदम नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया है? क्योंकि अभी देख रहा है पूरा विश्व कौन नजर से देख रहा है और क्या कर रहा है। अभी तो इसको भी मौका मिल गया, वो पाकिस्तान को हड़प ले ना, उधर देखेगा उधर मौका है तो इधर यो चल जाएगा, केदा पहुंचा देगा इस्लामाबाद, हड़प लेगा। जब तुम हड़प सकते हो, तुम संयुक्त राष्ट्र में कुछ नहीं बोल रहे हो, तो हम भी क्या कर लेंगे? तुम्हारा भी बोलने का अधिकार नहीं है। और बोलिएगा तो एक काम है, आप पहले अफगानिस्तान को आजाद करा के सुरक्षा दीजिए जो हानि हुआ है, समझ रहे हो? चाल समझते हो? पूरे वर्ल्ड का, तुम्हारे गांव के पंचायत को चलाने के लिए मुखिया होते हैं ना, वैसे पूरा वर्ल्ड को चलाने के लिए कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाई गई? ताकि आप दूसरा देश दूसरे को तरसाएगा, तरपाएगा, तो क्या उसका कोई हल निकलना चाहिए ना? अगर नहीं रहेगा हल निकालने वाला, तब तो सब सबको मार देगा, दो गुटों में बढ़ जाएगा सब, नहीं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो, उसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा कौन देश में पड़ेगा? कहाँ पड़ेगा? अमेरिका, माने अमेरिकी महादेश के आसपास है, नहीं? उत्तरी अमेरिका के आसपास होगा वो, वहां से वो पूरा संगठन है जिसमें वर्ल्ड के सभी देश उसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पता होगा जिसमें 15 सदस्य देश है, 5 अस्थाई है और 10 अस्थाई जो हर 2 साल पर क्या होते हैं, ठीक है, बदलते हैं। सब पढ़े हुए आप लोग, उसको रिविजन नहीं करते, इसलिए कुछ आता उता नहीं है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान मुस्लिम देश है। यहाँ पे बुद्ध का सबसे बड़ा मूर्ति था यहीं पे, ठीक है? अफगानिस्तान में बुद्ध का सबसे, जो बाद में चल के वहां के जो क्या थे, आतंकवादी लोग थे,
उन्होंने बम से उसको क्या कर दिया, वो बहुत बड़ा पत्थर को ही काट कर बनाया गया था, पहाड़े में काट कर क्या कर दिया गया था, बना दिया। भारत का अफगानिस्तान से बहुत अच्छा संबंध है, सभी दोस्त हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, वो पाकिस्तान से कटा रहता है, भारत से हमेशा मिला रहता है, क्योंकि भारत जो है अफगानिस्तान को हर तरीके से, वहां का बिजली घर जो देख रहे हैं वो सब बिजली घर किसका बनाया हुआ है, भारत का। इतना ही नहीं, इधर जो तुम्हारा देश है एक भूटान, इसका पूरा सुरक्षा कौन करता है, भारत का। इस पर हमला करिए तो किस पर हमला समझा जाएगा, मार के भगा देगा। और यहाँ भी बिजली घर बनाया है भारत ने, लेकिन अभी हम लोग अफगानिस्तान आते हैं, यहाँ का बिजली घर, यहाँ का पार्लियामेंट, संसद भवन जो है वह भी यही बनाया, यहाँ पे सड़क का भी निर्माण भारत ही करवा रहा है, समझ गए, पूरा इसका देखभाल कौन करता है, अफगानिस्तान का। लेकिन इस पर कुछ नहीं, यहाँ भूटान जो है पूरी तरीके से भारत का हिस्सा है, एक तरह से देश अलग है लेकिन पूरा भारत में वो मिला हुआ है, वो कहता है कि हम आपके साथ मिल जाएंगे पूरी तरीके से, भारत का कि सबसे पहले हमारे साथ रह कर देखो कि तुमको अच्छा लगता है कि नहीं, तब तुम भारत हो जाओ, भूटान हो खत्म हो गए, क्या हो जाओ, भारत इतना ईमानदार देश है कि इसको देखो बिजली भी देता है बनवा के, लेता भी नहीं है, भूटान को भी बिजली भारत ने, वहीं पे सब है, वहां पे बिजली जो घर है वो सब कौन बनवाया है, भारत, उत्पादन भी कौन करता है, भारत, उसको पूरा बिजली भारत ही देता है, और जब उसका बच जाता है ना तब भारत लेता है, वो फ्री में नहीं लेता है, पैसा देता है, हमरे बनायल हमरे सब कुछ, आप फिर भी कितना ईमानदारी सोचो, अगर चीन इसको देता तब क्या करता है, जैसे तिब्बत को हड़प लिया, नेपाल पर भीरल है, नेपालों पर भीरल, चीन का पूरा एक रवैया ही है, पूरे वर्ल्ड में दो ऐसे देश है ना जो तबाह कर ले दुनिया के, एगो इन्नेकारी चीन है, इन्नेकारी पाकिस्तान, दोनों बनल है, ये दोनों भारतीय के तबाह कर ले। चीन क्या है, चीन किसी को भी मदद करता है, क्या कर लेता है, हड़प लेता है, और इन्हें पाकिस्तान एकरा कुछ औकाते न है, ये भुटुंगी लखा कूदता है खाली, एकरे एकरे दे अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ा आतंकवादी रहता था जिसका नाम था, पता है, जो मारा गया, ओसामा बिन लादेन, उसको कौन पोसले था, अमेरिका, कौन पोसले था, अमेरिका पोसे हुए था अफगानिस्तान में, रखे हुए था अफगानिस्तान, चूंकि देखो सब दुनिया जो है ना बड़ा घोर चक्कर है, अमेरिका जो है चाहता था कि यहां से अफगानिस्तान में रख के और किसको तबाह करे, भारत को, पाकिस्तान को करा तबाह करे, यहां से एकरा तबाह करे, इसलिए इसको पाल ले था कि तुम इसको मारते रहो, यहां के लोगों को एक करते रहो, ठीक है, और लास्ट में जब यही मार दिया किसको, अमेरिका पर बम गिरा दिया, तब इसको मारा, नहीं तो ना मारता, सारा उसको हथियार ही देता था, तो समा मिला। तो भारत देखिए, अफगानिस्तान दुनिया का लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक माने भू आबद्ध देश है, ये जो है आपका भूबद्ध देश है, भूबद्ध माने क्या जानते हो, लैंडलॉक का मतलब होता है चारों ओर कौन चीज से घिरा हुआ है, जमीन से घिरा हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अब देखिएगा, आप ही बताइए, अगर अगर आपका कोई दुश्मन है, मान लीजिए भारत है, भारत का दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, तो दोस्त, देखो दुश्मन जो होता है ना, दुश्मन का दोस्त हो जाता है, दुश्मन का दुश्मन मेरा क्या हो जाएगा, जैसे मेरा दुश्मन पाकिस्तान है, इसका दुश्मन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान भारत क्या हो गया, ऐसी हो गया, यानी जब किसी से आप दोस्ती दुश्मनी करते हैं, तो उसका जो दुश्मन होगा उसका वो आपका क्या होगा, ऑफकोर्स। तो ये सारा चीज है। अब भारत अफगानिस्तान में बिजली बनाने के लिए अपने खर्चा से सलमा बांध बना रहा है, याद रखिएगा, भारत पूरा खर्चा दे रहा है यहाँ पे बिजली घर बनाने के लिए अफगानिस्तान में, और उसका नाम है सलमा बांध। कोई आजकल तो एक मक्खी
मरल ना देता है। आजकल कोई आपको कुछ देगा, ओए बुआ बिना फायदा के कोई कुछ देता है, और भारत अगर उसको दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसको भी फायदा है और भारत को भी फायदा है। क्या कि भारत अगर नहीं देगा तो इसको तो चीन या अमेरिका मदद कर देगा, और ये दोनों मदद करेगा तो ये दोनों किसको तबाह करेगा? यहाँ पे वो हथियार रखेगा, यहाँ पर परमाणु बम रखेगा, यहाँ पे वो क्या करेगा, नजर रखेगा और टिकैले रहेगा, कहीं एक पर हमला कर सकता है नहीं। तो भारत अफगानिस्तान में बिजली बनाने के लिए अपनी खर्चा दे रहा है, और उस कौन सा बांध बना रहा है, सलमा बांध। संसद भवन का भी निर्माण करवा रहा है, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान भी भारत ही वहां देता है, वहां के जितने भी हेलीकॉप्टर है और लड़ाकू विमान है सब भारत ही उसको मुहैया करके लड़ो हम देते हैं, आने ना देना लेकिन केकरा, चीन के अमेरिका के। अफगानिस्तान पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका है तो बहुत ऊंचा इलाका होगा, और जब ऊंचा इलाका होगा तो वहां तक कोई के दम नहीं कि भारत में घुसे के प्रयास करेगा, और नहीं तो ऊंच पर चल जाएगा तो भारत में तब मार कर सबको गिरा देगा। तो और वहां बहुत बड़ी मात्रा में एक चीज होता है नशा वाला, इसका नाम है अफीम। अफीम जो होता है सबसे ज्यादा वो कहां पे होता है, और वहां से भारत अफीम का क्या करता है, अफीम मंगाता है और उसको सेल करता है, बहुत फायदा होता है इससे, ठीक है। अफीम का बहुत फायदा है, जब आपको किसी बीमारी में बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसको दर्द को मिटाने के लिए अफीम का ही दवा बनाया जाता है। बेहोशी लाने के लिए किसकी दवा दी जाती है, अफीम का ही दवा, अफीम से ही बनती है। तो भारत को फायदा है, अब तो क्या कोई ऐसा देश तो नहीं है जहां पे ऑपरेशन नहीं होती है, बहुत दर्द नहीं होता, तो उसके लिए अफीम मंगाता है और अफीम को वह दवा के रूप में, ठीक है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, हम लोगों को पूरा सुरक्षा ही सबको देना चाहिए था, हर चीज करना चाहिए था। नहीं तो हम लोग जो है ऐसा करते नहीं, हम लोग को जब चुनाव होता है तो दो, देखिए अमेरिका में जब चुनाव होता है तो दो राष्ट्रपति जो बनने वाले होते हैं दोनों को डिबेट करवाया जाता है, आपस में बातचीत करवाया जाता है कि आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे। लेकिन भारत में ऐसा होता है नहीं, तो खुल के डिबेट होना चाहिए और वहां पे बताना चाहिए कि आप क्या योजना रख रहे हैं, आप क्या योजना रख रहे हैं। यहाँ पे तो खाली रहता है कौन चीज का योजना, यहाँ पे भारत में कौन चीज चलता है चुनाव के समय, बिजली देंगे, पानी देंगे, घर देंगे, सड़क देंगे, के हर साल यह चलता है, अशिक्षा देंगे, अशिक्षा तो देता नहीं ना, या कोई विवाद हिंदू मुस्लिम के राइट वाला विवाद करवा देगा, चाहे मंदिर पर विवाद हो जाए, करेगा कथी कुछ, सब गोल है यहाँ पे चुनाव। अफगानिस्तान में अफीम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और अफीम से बनाई जाती है दवा, ठीक है, क्या बनाई जाती है, बनाई दवा जो होती है उसको मार्फिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मार्फिन। देखिए वह अफीम से बनाई दवा मार्फिन खा लिया जाता है तो गोली का जो क्या होता है, आपको जो दर्द होता है गोली का असर जो होता है वह आपके दर्द को क्या कर देता है, कम कर देता है, और बेहोश करने में भी दवा बनाने वाले जो बेहोशी का दवा जो बनती है वह भी किससे बनती है, अफीम से बनती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान को जो है गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, याद रखिए, स्वर्णिम त्रिभुज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अफगान पाकिस्तान, यहाँ पे देखिए ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका अफगानिस्तान और एक देश है आपका ईरान, कौन सा देश है, ईरान। तो वर्ल्ड का मैप है ना कि आपको दिखेगा यहाँ पे, तो इसको जो है ना कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, क्या कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल, स्वर्णिम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। पूछेगा स्वर्णिम त्रिभुज में कौन कौन से देश शामिल है, तो स्वर्णिम त्रिभुज में आपके जो देश शामिल होते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान और आपका ईरान शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, ईरान, ठीक है। अब एक बात आपको बता दूं कि रूस ने अफगानिस्तान पर सबसे पहले हमला किया था शीत युद्ध के समय, ठीक है। शीत युद्ध क्या होता है, वैसा युद्ध जिसमें लगता है कि दो अब युद्ध हो जाएगा तो तब युद्ध हो जाएगा, लेकिन कभी होता नहीं है, और वह सभी देशों को अपने में मिलाने का प्रयास किया,
क्योंकि दुनिया जो था दो गुटों में बट गया था। एक गुट था जिसका नाम था 1945 में हमारा वर्ल्ड दो गुटों में बट गया था, एक था अमेरिका दूसरा था रूस। नहीं, अमेरिका चाहता था कि हम शक्तिशाली, तो रूस चाहता था कि हम शक्तिशाली, और दोनों के बीच 1991 तक चला गर्मा गर्मी। लगता था रूस उड़ा देगा अमेरिका को, लगता था अमेरिका उड़ा देगा, लेकिन खाली बात चलती थी और सभी देश जो था दोनों गुटों में शामिल होना शुरू है, कुछ रूस के साथ और कुछ, लेकिन भारत जैसे देश जो थे वो शामिल, अलग शामिल हुआ। वो दोनों को गड़बड़ करेगा तो देखने के लिए। अब एक बात समझिएगा, अमेरिका का सबसे बड़ा, देखिए अमेरिका सबसे बड़ा साइंटिस्ट को एक उठा के ले आया था, ठीक है, और किसको, ओसामा बिन लादेन को इकरा ने उठा के ले आया था, और ओसामा बिन लादेन बहुत बड़ा साइंटिस्ट था बाबू, अकेले ना पूरे अफगानिस्तान को देश प्रेम सिखा दिया। अमेरिका देता था खूब पैसा, खूब हथियार, कि कोई बोले तो ओकरा कथी कर दो, राम उड़ा दो। देखो सब अपना अपना ना एगो रखा है जासूस को, अमेरिका ने रखा था ओसामा बिन लादेन को, भारत ने रखा LTTE को, भारत किसको रखा, यादव, LTTE के से क्या कर दिया, जब चीन आया था श्रीलंका में बंदरगाह बनाने, तो क्या किया LTTE के भेज का सब खूब पैसा उसा औजार उजार देखो क्या कर दिया, भाग लाए, भाग भाग हमरा, तो श्रीलंका कहल के हम न बाबू तू न बंदरगाह बना कल्ला, तो बोलू हम रहबे न करम तो बंदरगाह तो लेकर की करबे, तो भगा देलके भाग गेल उन्ने से ना। वो सब देश पर कोशिश करके बंदरगाह बनावे के, भूटानो में आलके कोशिश करके, नेपालों में किया, लेकिन कन्हू कार्य करा बेरा पार ना। अब लास्ट में देखो बाबू याद रखे, तुम दूसरे के तरफ से लड़ोगे तुमको इस्तेमाल करके तुमको भी क्या कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा। LTTE को भारत ने सबसे पहले तो खूब इस्तेमाल किया, सबको भगवा दिया, लास्ट में क्या कर कथी कर दिया, उड़वा दिया, कुचवा दिया, कुचा गया। चीन में था माओवादी, चीन में कौन है, और अमेरिका के तरफ से कौन लड़ रहा, ओसामा बिन लादेन, अमेरिका ओकरा कथी कर दिया, जब तक ला गाय दूध दे छी तब तक लोग दूध गाय रखै छी, दूधवा देना बंद किया तो कथी कर छी व्यापारी बेच देगा, 50,000 के गाय 30,000 में 20,000 में बेच दे, बड़ा चला क्या, उतना दिन तक 6 महीना बैठ के खाए, बहुत चला, वैसी ही सह है, देश में जब तक काम रहे तब तक रख लगा, या जब काम खत्म हुआ तो उसको भूज दिया, बात खत्म। अमेरिका ने देखो, अब अमेरिका पूछ लगे कि तू हमरा पर कला कर, और तुरा तो हम पोस लियो, तुरा औजार दे लो, पैसा दे लो, हर चीज दुनिया के, बाबू ओसामा बिन लादेन का जो घर बना हुआ था ना दुनिया में, हर चीज उसके घर के अंदर था, हर सुविधा था दुनिया का, स्विमिंग पूल से लेके पार्क से लेके, वो नजारा जब जाते ना था, सिनेमा हॉल से लेके हर चीज था, आधुनिक मिसाइल सब, तो कल के तोरा सब कुछ दे लो, तोरा हर चीज कर लो, तोरा जे चीज लगे छो सब हमरा पैसा से तू आई आएस कर रहा है, तो हमरा पर कला हमला कर, तो कला कह बाबू बिक कोई के ठंडा है ना। जब द्वितीय विश्व हुआ था तो उस समय ने एक हमला कर दिया था, अमेरिका ने एक देश पर हमला किया था 1948 में ना, अमेरिका ने फिलिस्तीन पर बम गिरा दिया था समझे, और वहां मुसलमानों को भगा दिया था, और नया देश इजराइल बना दिया था, वो जो इजराइल है वही है, ठीक है, इजराइल बना दिया, उसी इजराइल जो था बाबू का बदला लेने के लिए ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में बम गिरा दिया। ये रहे वाला वही क्षेत्र के न रहे ओसामा बिन लादेन, जब तक उड़ा काम रहे तब तक रहा लाई। देखिए आदमी के दर्द बार बार याद आवे छै, जब पैसा सब कुछ रहे तो तब दर्द याद आवे छै, जैसे तू हमरा साथ रहले खूब, लेकिन जैसे ही हम सब कुछ कर दऊ तब तोरा याद, तोरे हमरा तो एक दिन ऐसे कैलक, तो कहलक कला बम गिरेले, तो बतलक कि तू एक भूल गेले वो दिन, तू कहां पे मुसलमान के भगा दली रह फिलिस्तीन में, अब बम गिरा के ओकरा हटा के इजराइल बना दिया, वोहे बदला ले लिए वो अब तोरा से, तब अमेरिका पगला गया बाबू,
बहुत पगला गया आ जो तोरा बनलको ओकरा उड़ाही ना देतै न कर तेकरा बाद की कर देलकै न तो मरे वाला सामा बिना ठीक है ई कलकाए कि फिलिस्तीन पर जब तुम बम गिराया था तो वहां के लोगों की क्या गलती थी तू कल्ला मासूम के मारला है तू जे हमरा कहे कि तू कल्ला मारला है वहां मासूम के कल्ला तो तू कल्ला मारला है वियतनाम में कम से कम जानते हो 2700 करोड़ बम गिराया था 2700 करोड़ तालिबान एक आतंकवादी संगठन था तालिबान जो है ना तालिबान ओए आगल हो के हरफ ले गुड़ाते तालिबान जो है ना वो आतंकवादी देश है वहां पे लड़कियों को कहे छठा से ज्यादा न पढ़िए ठीक है तालिबान जो है तालिबान ठीक है तालिबान एक आतंकवादी संगठन था पहले ठीक है वहां पे कहता था कि क्लास 6 से ज्यादा लड़की नहीं पढ़ेगी पढ़ेगी बम से उड़ा दिया जाएगा ठीक है वहां पे पर महिला अगर पुरुष और महिला अगर पुरुष डॉक्टर से कहीं इलाज करवा ली तो बाबू उस महिला को मार दिया जाता है देखो कितना बेवकूफ है जब तुम महिला के पढ़ने दोगे ना तो डॉक्टर महिला कहां से बनते आ तोरा इलाजो करवावे को महिले से अगर अब वही ना समझो और अगर अगर पुरुष डॉक्टर के यहाँ चली गई तुमको मार दिया जाएगा वही कराने वाली थी मलाला यूसुफ पाकिस्तान के है ना ठीक है यहाँ भी आपको पता ना इसको भी गोली से मार दिया गया था लेकिन वो बच गई गोली से इसको भी मारा गया था ठीक है वो कहता था ना पाकिस्तान बउआ अफगानिस्तान क्षेत्र जो है कहता था कि पोलियो ड्रॉप जब पूरा दुनिया पिला रहा था तो कहता था कि पोलियो ड्रॉप न पिए तू सब पोलियो ड्रॉप पिए से न बलू बच्चा जन्म न लीजिए सबको अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है काबुल अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति जो है बउआ वह कहाँ पे है अफगानिस्तान में पहाड़ को काट के बनाया गया उस पहाड़ को काट कर महात्मा बुद्ध की ना उस बात समझिएगा एक पहाड़ है जिसको काट कर मूर्ति बनाया गया था और उसमें क्या किया ना वहां पे जो लोग है मुस्लिम ज्यादा है अफगानिस्तान में मुस्लिम ज्यादा है अब बुद्ध जो है से भगवान बुद्ध तो है हिंदू अति इधर बौद्ध धर्म को मानने वाला ठीक है और देखो इधर है आपका अफगानिस्तान है इधर है आपका म्यांमार म्यांमार है आपका ये आपका अफगानिस्तान यहीं पर था दुनिया का सबसे ऊंची मूर्ति बुद्ध का नहीं और यहाँ म्यांमार यहाँ पे म्यांमार में ज्यादा जो है ना एक जाति रहती जिसको बोलते हैं रोहिंग्या जाति है तो वहां पे देखो अफगानिस्तान में ज्यादा है मुस्लिम यहाँ पे सबसे ज्यादा रोहिंग्या तो यहाँ पे क्या किया ये रोहिंग्या जाति को खूब ही तंग किया मूर्ति को भी तोड़ तार दिया तो यहाँ पे म्यांमार में तो ज्यादा है रोहिंग्या जनजाति तो यहाँ मुसलमान है कम तो तू यहाँ कुछ भाई तो तोरा यहाँ छोड़ता हो तोहर ज्यादा तू हमरा मार ले तो हम तोरा छोड़वाओ तो यहाँ पे बहाना खोजलक ई कलक कथी कलक है ना कि पशु के सब बलि चढ़ाता था कुर्बानी जब देता था कुर्बानी तो कुर्बानी में बलि चढ़ाता है हाँ मुस्लिम वहां पे रोहिंग्या में म्यांमार में तो देखिए ने कहते आराम से लेकिन जब यहाँ के मूर्ति बुद्ध भगवान के उड़ा दल के आते मुसलमान के तंग करके तो इस कल के ठीक है तो हते तू इतने कम तो रोहिंग्या जनजाति म्यांमार में बहुत है मुसलमान कम है तो जब यहाँ बुद्ध के मूर्ति तोरे कोई धर्म के मूर्ति मान लो कि कृष्ण भगवान के मूर्ति है आप पाकिस्तान वाला उड़ा दे तो हम यहाँ पे फिर हिंदू तो ज्यादा है यहो की करे लगते ओकरो मस्जिद से सब उड़ावे के ना शुरू कर देगा वैसे यहाँ पे था कहा ठीक है तू रहे ज्यादा तो उड़ा दे ले एकरा चेतावनी दिल के पहले कहते रहे बिक पहले से कुर्बानी में सब बलि चढ़वत रहे उ सब बलि न चढ़ाता है तो कहा ठीक है तू बलि चढ़े लेकिन घर के अंदर चढ़े बाहर रोड पर न चढ़े इस नौ मान ले ठीक है नौ एहो की कल के सब के पूछ दिल के धो ठीक है यहाँ पे जाकर
कूच दिल के सौर के मार का भगा बा और सबको भगा दिया है। कचर कचर काट दिल के सबके एकदम निकाल और सब यहाँ जितने भी मुस्लिम था सबके कचर दिल के। पाकिस्तान में हिंदू बहुत कम है ना के बराबर है ओकरो हिंदू बना यहाँ पे इतना ज्यादा मुसलमान क्यों? क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जो सबको इज्जत करता है, ये सभी देशों को शामिल करता है। सुनिएगा, जो महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे जो बड़ी मूर्ति है, ठीक है, दुनिया का महात्मा बुद्ध की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है वर्तमान में वो स्प्रिंग ऑफ बुद्धा है, उसका नाम है स्प्रिंग बुद्धा, स्प्रिंग ऑफ बुद्धा चीन में, याद रखिएगा सबसे बड़ा जो बुद्ध के मूर्ति है वह चीन में है, स्प्रिंग ऑफ बुद्धा। और सबसे अगर ऊंची मंदिर मंदिर की बात करेगा सबसे ऊंची तो वो है आपका इंडोनेशिया में, दुनिया में सबसे बुद्ध की ऊंची मूर्ति कहेगा तो चीन में, और सबसे ऊंची मंदिर कहेगा तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो अभी हम लोग अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए, अगले क्लास में और आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान को लेकर, तब तक जय हिंद।